Subscribe our YouTube channel and press the bell icon to never miss an update from CGPSC eGyan. Visit our website visualcard.com to get complete video series. Hello friends, मैं हूँ शारदा, CGPSC eGyan में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपको पता है 30 तारीख को एक एग्जाम हुआ था, उस एग्जाम का एनालाइज हम करेंगे जिसका GS पार्ट था, ठीक है, हम उसका आज डिस्कशन करेंगे। मेरा सेट जो है ये सी सेट है, ओके मैं सी सेट के हिसाब से आप लोग को जो है इसमें सामान्य अध्ययन एवं राज्य का सामान्य अध्ययन जो 50 क्वेश्चन थे मैं उनका आंसर आपको बताते हुए चलती हूँ। जैसे कि सी सेट में पहला क्वेश्चन ये था कि लॉर्ड कर्जन ने निम्नलिखित में से किस विभाग की स्थापना की थी, तो मैं आपको बता दूं कि इसका आंसर बी है, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण। मेरा सेट है सी और इसमें पहले का आंसर है बी, ओके भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की थी। दूसरा क्वेश्चन है, इस राज्य की निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति सरहुल पर्व मनाती है, इसका ऑप्शन इसका आंसर है ए, उरांव जनजाति सरहुल पर्व मनाती है। आंसर क्वेश्चन नंबर थ्री जो है, निम्नलिखित में से किस मराठा सूबेदार ने इस राज्य में परगना पद्धति प्रारंभ की थी, इसका आंसर है डी, विट्ठल राव दिनकर। इसका आंसर क्या है, डी विट्ठल राव दिनकर। गोविंद वल्लभ सागर परियोजना स्थित है कहाँ, चौथा क्वेश्चन ये है कि गोविंद वल्लभ सागर परियोजना स्थित है रीहन नदी पर, ऑप्शन बी रीहन नदी पर है, ठीक है। पांचवा क्वेश्चन है, अष्टाध्यायी के लेखक निम्नलिखित में से कौन थे, अष्टाध्यायी के लेखक ऑप्शन डी पाणिनि, ठीक। छठवां क्वेश्चन है, इस राज्य के निम्नलिखित में से कौन स्वयं संगीतकार थे तथा अन्य संगीतकारों के आश्रयदाता थे, इसका आंसर है सी, छठवें का आंसर है सी, राजा चक्रधर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लखवार बांध का निर्माण किस नदी पर प्रस्तावित है, यमुना नदी पर, ऑप्शन बी लखवार बांध जो है यमुना नदी पर स्थित है, ओके। क्वेश्चन नंबर एट, छत्तीसगढ़ राज्य में सूक्ष्म सिंचाई योजना के अंतर्गत स्प्रिंकल के लिए अनुदान में लघु एवं सीमांत किसानों को राज्य का कितना अंश दिया जा रहा है, तो इसका ऑप्शन है ए 70%। क्वेश्चन नंबर नाइन, इस राज्य की पंचायती राज अधिनियम 1993 के अनुसार पंचायत का अर्थ क्या है, क्वेश्चन नंबर नाइन का आंसर है सी, 1, 2, 3 तीनों आएगा, ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत, तीनों आ जाएगा, सी नाइन का आंसर सी है, ओके। क्वेश्चन नंबर 10, वर्ष 2018-19 के लिए भारत की केंद्रीय बजट में सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत राजकोषीय घाटा अनुमानित किया गया है, इसका ऑप्शन 10 का ऑप्शन है ए, इसका आंसर क्या है 3.2% ए। 11 जो है, क्वेश्चन नंबर 11, महाभियोग द्वारा किसे पद से हटाया जा सकता है, तो राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, तीनों, मतलब 11 का आंसर क्या आपका सी। 12, क्वेश्चन नंबर 12, निम्न के मध्य कौन एक प्राथमिक प्रदूषक नहीं है, प्राथमिक प्रदूषक नहीं है, तो ये आपका 12 का आंसर है बी, सल्फर डाइऑक्साइड प्राथमिक प्रदूषक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13, केंद्रीय विद्युत उत्पादन प्राधिकरण नई दिल्ली के प्रतिवेदन नवंबर 2017 के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी मर्यादित का राज्य स्तर पर भारत में क्या क्रम है, क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर है ए प्रथम स्थान, ओके। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर इसमें है, जहां एसटीएससी की कुल जनसंख्या 50% से कम है उस जिले में जनपद पंचायत के अध्यक्ष की कितनी सीट अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित की जाएगी, 1/4 यानी कि इसका जो है ऑप्शन बी, ओके। क्वेश्चन नंबर 15 का जो है, इस राज्य के लोक नाट्य से निम्नलिखित में से किसका संबंध नहीं है, तो इसका ऑप्शन है सी जात्रा से इस राज्य का संबंध नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16 में यह है कि इस राज्य की युवा महिलाओं द्वारा दीपावली के पूर्व निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य किया जाता है, ऑप्शन ए, 16 का आंसर क्या है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 17, जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक स्त्री साक्षरता की दर डैश जिले में है, तो इसका ऑप्शन है सी धमतरी, 17 का आंसर सी धमतरी में है स्त्री साक्षरता सर्वाधिक। क्वेश्चन नंबर 18, इस राज्य की च्वाइस सेंटर योजना में से किससे संबंधित है, तो इसका ऑप्शन है बी ई गवर्नेंस से, 18 का ऑप्शन है बी ई गवर्नेंस। निम्नलिखित में से कौन सी मूर्ति शिल्पकला शैली बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं है, तो 19 का आंसर है आपका सी वल्लभी।
मैकल 20 क्वेश्चन नंबर 20 मैकल पर्वत श्रेणी में निम्न मैकल पर्वत श्रेणी में मिलते हैं सागौन के वन। क्वेश्चन नंबर 20 आंसर बी सागौन के वन। क्वेश्चन नंबर 21 निम्नलिखित में से किस वर्ष इस राज्य में राजनांदगांव की बीएनसी मिल के मजदूरों का तृतीय आंदोलन होता। ऑप्शन है 1920, 1924, 1930, 1940। लेकिन स्टूडेंट मैं आपको बता दूं तृतीय जो आंदोलन 1937 में हुआ था जो कि ऑप्शन में नहीं है, तो हो सकता है ये क्वेश्चन विलुप्त हो जाए। तो आंसर 21 का आंसर जो है नहीं दिया गया है, लेकिन इसका सही आंसर 1937 है जो कि ऑप्शन में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 22 भिल्लम द्वारा देवगिरी में निम्नलिखित में से किस राजवंश की स्थापना की गई थी। तो इसका जो है ए यादव। 22 का ऑप्शन क्या है, सही आंसर ए है। वहीं क्वेश्चन नंबर 23 का जो है जम्मू और कश्मीर के संविधान के विषय में सही क्या है। इसका आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 24 अरण्यक गुफा का संबंध है दंडकारण्य से, ऑप्शन नंबर सी। 24 का ऑप्शन क्या है, सी। क्वेश्चन नंबर 25 है वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत का सकल घरेलू उत्पाद अमेरिकी डॉलर में क्या क्रम है। तो इसका आंसर है बी। 25 का आंसर है बी, छठवां स्थान पर है। 26 कावेरी जल विवाद किनके बीच में है, तमिलनाडु कर्नाटक केरल के मध्य, ऑप्शन ए। 26 का ऑप्शन है ए। 27 निम्नलिखित में से किसने भारत के विभाजन की योजना प्रस्तुत की। 27 का ऑप्शन आंसर है डी, माउंटबेटन योजना। 28 इस राज्य की जनजातियां पारलौकिक शक्ति के रूप निम्नलिखित में से किसे स्वीकार करती है। तो इसका ऑप्शन है 28 का ऑप्शन सी, गोंगा देव। 29 जानवरों में फूट एवं माउथ रोग का कारण फंगस। 29 का जो है बी, ऑप्शन बी तांबा। क्वेश्चन थर्टी, क्योंकि इसका आंसर मेरे पास नहीं है। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर नहीं है मेरे पास। क्वेश्चन नंबर 31 जैव विविधता का सिद्धांत प्रथम बार लागू किया गया था, ऑप्शन नंबर ए 29 दिसंबर 1993 को। क्वेश्चन नंबर 32 जो है निम्नलिखित में से सर्वाधिक सिद्ध क्षेत्र है, मेसोस्फीयर, यानी कि ऑप्शन बी। 32 का आंसर है ऑप्शन बी। 33 वोडाफोन का विलय निम्न में से किस दूरसंचार कंपनी के साथ हुआ, तो टाटा डोकोमो, ऑप्शन डी। 33 का ऑप्शन है डी। 34 जो है इस राज्य के किस विश्वविद्यालय का नाम अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखा गया, तो ऑप्शन है डी, बिलासपुर विश्वविद्यालय का नाम रखा गया। ओके नेक्स्ट है अपना क्वेश्चन नंबर 35 जो है वर्तमान में भारत के लिए कौन सा संकट अधिक महत्वपूर्ण है। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, रुपया का विदेशी विनिमय दर। क्वेश्चन नंबर 36 कौन अपने पूर्ण कार्यकाल के लिए निर्वाचित होता है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा का सदस्य, राज्य विधानसभा का सदस्य। इसका आंसर है सभी, जो ऑप्शन डी है इसमें। 36 का आंसर है डी। 37 फ्रेंच ओपन खिताब जीतने वाले टेनिस खिलाड़ी में से कौन है, राफेल नाडाल। 37 का ऑप्शन क्या है बी, राफेल नाडाल। 38 बोलता है कि वर्तमान में इस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश निम्न में से कौन है, आंसर सी, अजय कुमार त्रिपाठी। कार्मिक प्रशासन संबंधित है 39, इसमें सभी आएगा, इसका ऑप्शन है डी। 39 का ऑप्शन है डी। राज्य क्वेश्चन नंबर 40 कि राज्य अलंकरण में ठाकुर पैरासी पुरस्कार के क्षेत्र में दिया जाता है सहकारिता, ऑप्शन बी। 40 का आंसर है बी। 41 आधुनिक भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण के अग्रदूत निम्नलिखित में से कौन थे, तो 41 का आंसर है आपका सी, राजा राम मोहन राय। क्वेश्चन नंबर 42 छत्तीसगढ़ राज्य का वनाच्छादित क्षेत्र के अंतर्गत भारत में क्या क्रम है, तीसरा क्रम है, तो ऑप्शन क्या हो गया बी। वर्ष 2017-18 में छत्तीसगढ़ के सकल घरेलू उत्पाद में स्थिर मूल्य पर किस क्षेत्र का योगदान सबसे अधिक अनुमानित किया गया है, क्वेश्चन नंबर 43। तो इसका जो है ऑप्शन बी, द्वितीय क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 44 क्या बोलता है, इस राज्य के निम्नलिखित में से किस कलचुरी राजा ने मुगल दरबार को भेंट दी थी, कल्याण साय, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर अभी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 46 जो है आपका खासी जनजाति निवास करती है, खासी जनजाति जो है इसका आंसर आएगा C।
सी ए एवं बी दोनों पर 47 जो है छत्तीसगढ़ राज्य को खनिजों के दोहन से कितने प्रतिशत राजस्व की प्राप्ति होती, तो इसका ऑप्शन है बी 27%। 48 स्टार्टअप योजना के अंतर्गत किस उद्योग में स्थायी पूंजी निवेश में भिन्न अनुदान है, तो 48 का ऑप्शन है ए सूक्ष्म एवं लघु उद्योग। 49 फिर 50 क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर है आपका, इस राज्य की निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति अति पिछड़ी जनजाति की सूची में सम्मिलित नहीं है, तो ऑप्शन आएगा डी भतरा। देखो क्वेश्चन नंबर 49 जिसमें इसमें जो है सही उत्तर को चयनित करनी है, जियोलाइट जिसका ऑप्शन सामने जुलाब है, मतलब इस तरह से आपको सही जोड़ी मिलान करनी है, तो इसका ऑप्शन 49 का ऑप्शन जो है सी, 49 का ऑप्शन क्या है सी है। वहीं एक क्वेश्चन आपका क्या ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 45 का जो आंसर है सी, सॉरी क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर है ए मिसाइल, हेलिना क्या है आपका मिसाइल है। ठीक है फ्रेंड्स, ये पूरे 50 क्वेश्चंस के आंसर है मैंने आपको जो कि बता दिए हैं। ओके देखिए स्टूडेंट्स, मैंने दो क्वेश्चन यहाँ पे छोड़े थे, क्वेश्चन नंबर 49 जिसका आंसर मैंने आपको सी बताया, और क्वेश्चन नंबर 30 है ना, क्वेश्चन नंबर 30 तो नहीं हो पाया इसका आंसर इसलिए सॉरी, और एक क्वेश्चन नंबर 45 था जिसका आंसर मैंने बताया ए। एक और छोटी सी भूल ये हुई है कि क्वेश्चन नंबर 36 जिसका आंसर मैंने डी लिखा था उसका आंसर जो है बी है। ओके मतलब इसका आंसर क्या है, 36 का आंसर है बी। इसका क्वेश्चन ये था कि कौन अपने पूर्ण कार्यकाल के लिए निर्वाचित होता है, तो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति ये दो लोग हैं जो अपने पूर्ण कार्यकाल के लिए निर्वाचित होते हैं। ओके ये जो है 50 क्वेश्चन आपके यहाँ पे ये कंप्लीट होते हैं, आपको उम्मीद करती हूँ कि इस 50 क्वेश्चन में से आप लोगों का ज्यादा से ज्यादा जो है सही हुआ होगा, और ये जो आंसर है बहुत ही सही आंसर है, और उम्मीद कर रही हूँ कि आप लोग से ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सही होगा। अगर आपको मेरा ये जो भी एनालिसिस सही लगा है तो आप लोग प्लीज हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू। सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू नेवर मिस एन अपडेट फ्रॉम CGPSC e-gyan. Visit our website visualcard.com to get complete video series.